हेलो 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 बच्चों, आज हम ऑडिट का रिवीजन नंबर 2 लेकर आए हैं। सो दिस विल बी द सेकंड क्विक रिवीजन फॉर यू बच्चों। और आज इसमें हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं, हम इसमें शामिल करने वाले हैं वो सारे नए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो न्यू स्कीम में पहली बार हमारे सामने हैं और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जो हमने इंटरनल कंट्रोल थोड़ा सा देख लिया था, उसके बाद का पार्ट, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बच्चों कहीं भी मत जाइए, इस पूरे वीडियो को फटाफट से एक बार मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लीजिएगा और आपको इससे बहुत बहुत सारा फायदा होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो नए स्टैंडर्ड हैं जो चैप्टर नंबर 7 में दिए हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 260 एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 265। सो लेट्स बिगिन विद एसे 260। बच्चों ये एसे क्या बोलता है, कम्युनिकेशन विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस, कम्युनिकेशन विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस, यानी हमें दोस चार्ज विद गवर्नेंस को कुछ सिग्निफिकेंट बातें कम्युनिकेट करनी होती हैं। क्या वो चीज़ें हैं, क्यों ये कम्युनिकेशन किया जाता है, इस स्टैंडर्ड से हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन दोनों को कवर कर रहे हैं। पहला, व्हाई दिस कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस। तो हमने बोला सर, पहली चीज सर, इससे क्या होगा, हम कम्युनिकेट जब करेंगे दोस चार्ज विद गवर्नेंस को, देन इट विल गिव क्लैरिटी रिगार्डिंग द स्कोप, टाइमिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट टू TCWG। दूसरा, हमें क्या फायदा होगा सर, ऑडिटर को ऑडिट के लिए रिलीवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी TCWG से। तीसरा सर, टाइमली मैनर में हम इंफॉर्मेशन दे पाएंगे TCWG को, और सर इससे टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट होगा। बच्चों चार चार बेनिफिट या चार ऑब्जेक्टिव इस कम्युनिकेशन के क्या हैं। पहला सर, TCWG को हम ऑडिट का स्कोप ऑब्जेक्टिव क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे, TCWG से ऑडिट के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो ऑप्टेन कर पाएंगे, और TCWG को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, उससे वो सारे डिसीजन ले पाएंगे या उन्हें उसमें हेल्प मिल जाएगी जो हम वो करते हैं। क्या क्या करते हैं सर, वो करते हैं ओवरसी फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो इट विल हेल्प देम टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इट विल एस्टेब्लिश टू वे कम्युनिकेशन, यानी दोनों ओर से कम्युनिकेशन को ये एक सुगम बनाएगा, उसका एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। सो ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट, ये टू वे कम्युनिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाई वी नीड दिस टू वे कम्युनिकेशन। पहला, इट विल असिस्ट ऑडिटर एंड TCWG टू अंडरस्टैंड मैटर रिलीवेंट फॉर ऑडिट। इट विल असिस्ट ऑडिटर एज वेल एज TCWG टू understand and assess the matter relevant for audit. Then auditor obtain information from TCWG, and third, TCWG get assistance to oversee the financial reporting process. तो बच्चों ये टू वे कम्युनिकेशन से क्या फायदा होगा, हमने वही पॉइंट ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट में से उठाए। तो ये एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि TCWG को कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या बेनिफिट है, टू वे कम्युनिकेशन से क्या फायदा होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, जब हम कम्युनिकेशन करेंगे देन व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, क्विकली व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। पहला सर, हम ऑडिटर एज एन ऑडिटर हमारी ऑडिट का स्कोप और टाइमिंग कम्युनिकेट कर देंगे दोस चार्ज विद गवर्नेंस को। हम ऑडिट का स्कोप एंड टाइमिंग कम्युनिकेट कर देंगे दोस चार्ज विद गवर्नेंस को। सर हम ऑडिट के रेस्पेक्ट में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बता देंगे, साथ ही साथ ये भी बोल देंगे दैट इट विल नॉट रिलीव यू फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो पॉइंट बोले, पहला ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में क्या है, कम्युनिकेट कर देंगे, साथ ही ये फैक्ट भी बता देंगे that it will not relieve management and those charged with governance from their responsibility. Second, audit ka scope aur timing bata denge. दो पॉइंट बोले बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्कोप एंड टाइमिंग किसे बता देंगे, TCWG को हमारे कम्युनिकेशन में। तीसरा, हमने इस स्टैंडर्ड में बात की है कि ओनली सिग्निफिकेंट मैटर कम्युनिकेट करना है, तो थर्ड पॉइंट इज सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट इसे कम्युनिकेट कर देंगे TCWG को। यहाँ क्या क्या शामिल होता है, पहला सर ऑडिटर का व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जैसे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैसे हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाने का प्रोसेस क्या है, रिस्क असेस करने का मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। सो
qualitative aspects of accounting. Second, significant difficulties encountered during the audit. Significant difficulties क्या हो सकती हैं? जैसे सर एक unreasonable time में audit complete करने का कहा जाए, सर कोई restriction लगाया जाए. These are the significant difficulties. Then third, अगर सारे TCWG management में involve ना हो, सारे TCWG यानी जितनी TCWG की टीम है, they are not entirely involved in the managing the entity. उस केस में क्या किया जाएगा? सर हम TCWG को दो बातें बताएंगे. पहला सर all the significant matter discussed with management and the written representation requested to management. ये बात भी communicate कर देंगे. Fourth point, sir, circumstances in which the standard form of audit report may vary. That means form and content of audit report, and if there are circumstances, then it may vary. And last, any other significant matter as per auditor's professional judgment. बच्चों quickly revise करते हैं. क्या what are the matters to be communicated to TCWG? पहला, audit का ऑब्जेक्टिव बता देंगे. ये बता देंगे कि सर हमारा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है और ये मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी किसी भी तरह से कम नहीं करता. दूसरा, ऑडिट का स्कोप और टाइमिंग बता देंगे. तीसरा, सर ऑल द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इन द ऑडिट. सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के अंदर 4-5 पॉइंट. पहला, सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट. देन ऑल द TCWG इफ नॉट इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, तो दो बातें बताएंगे. सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड एंड सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट. देन उसके बाद बता देंगे सर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, एंड एनी अदर मैटर एज पर ऑडिटर्स जजमेंट इज सिग्निफिकेंट. तो बच्चों छोटा सा स्टैंडर्ड SA 260 नया स्टैंडर्ड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. सिर्फ दो एस्पेक्ट हमें तैयार करने हैं. पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कम्युनिकेशन या बेनिफिट ऑफ दिस कम्युनिकेशन या बेनिफिट ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, सब एक ही बात है हमारे लिए. एंड तीसरा, दूसरा पॉइंट हमने यहां पर पढ़ा बच्चों, व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड. दैट्स ऑल इन SA 260 बच्चों. देन अच्छा 260 में सॉरी एक एस्पेक्ट और बच्चों कवर कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं. सो एक एस्पेक्ट और कवर कर रहा हूं, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या करते हैं बच्चों हम TCWG को, अगर हम एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, TCWG को अगर हम लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस को लेकर एक कम्युनिकेशन करना मस्ट है, कंपलसरी है. स्टैंडर्ड क्या बोलता है देखिए, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू TCWG. क्या कम्युनिकेट करना है? पहला, हम उन्हें कम्युनिकेट करेंगे सर एंगेजमेंट टीम एंड द फर्म आर इंडिपेंडेंट. एंगेजमेंट टीम एंड ऑल द फर्म और उसकी नेटवर्क फर्म क्या होता है, जो अंडर सेम ब्रांड हमारे साथ काम करती है, अंडर कॉमन ओनरशिप होती है. सो सर फर्म एंटिटी एंगेजमेंट टीम उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है. दे आर फॉलोइंग द एथिकल रिक्वायरमेंट. दूसरा पॉइंट सर, जो रिलेशनशिप है एंटिटी फर्म और नेटवर्क फर्म्स का, ये बियर करता है एक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस. और तीसरा सर, अगर कोई भी थ्रेट अगर हमें आइडेंटिफाई हुई है, तो उसके लिए हमने प्रॉपर सेफ गार्ड लिए हैं. तीन पॉइंट कम्युनिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस टू TCWG. पहला, कब कंपलसरी है सर, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी. क्या बोला पहला पॉइंट सर, फर्म नेटवर्क फर्म एंगेजमेंट टीम सब कंप्लाई करते हैं इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट और एथिकल रिक्वायरमेंट. दूसरा पॉइंट सर, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी फर्म एंड एंटिटी फर्म एंड नेटवर्क फर्म बियर्स एन इंडिपेंडेंस इवन कंसिडरिंग द टोटल फीस रिसीव्ड फॉर अदर सर्विसेज एज वेल. एंड थर्ड सर, रिलेटेड सेफ गार्ड हैज बीन टेकन इफ एनी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हैज बीन आइडेंटिफाइड. बच्चों ऐसे 260 यहां पर खत्म होता है. अब आते हैं ऐसे 265 में, कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. हम इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करते हैं ऐसे 265. ये भी बच्चों पहले इतना डिटेल में नहीं था, अब बहुत डिटेल में पूरा ऐसे कवर किया गया है, तो इसे भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है.
इसको तैयार कर रहे हैं। पहली चीज कंट्रोल डेफिशिएंसी क्या होती है, सर ए कंट्रोल इज इधर मिसिंग और इफ एग्जिस्ट इट इज अनेबल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन टाइमली मैनर। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होता है, सर द आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी व्हिच एज पर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इज हैविंग दैट मच इंपॉर्टेंस और मेरिट दैट इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। तो हमने समझा डेफिशिएंसी क्या होता है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होता है, डेफिशिएंसी क्या होता है, सर एक कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल या तो मिसिंग है इधर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली टू डिटेक्ट प्रिवेंट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए अब इस स्टैंडर्ड के अंदर हमारा जो मेन कंसेप्ट है कि सर जो ये कम्युनिकेशन करना है उसका क्या कंटेंट होना चाहिए। पहली चीज सर ये कम्युनिकेशन ऑल द डेफिशिएंसीज टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट एंड ओनली सिग्निफिकेंट टू बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। यानी मैनेजमेंट को सारी डेफिशिएंसीज बताएंगे पर टीसीडब्ल्यूजी को सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज ही बताएंगे। इस कम्युनिकेशन में क्या क्या शामिल होगा, इस कम्युनिकेशन में क्या क्या शामिल होगा देखते हैं बच्चों, क्या क्या शामिल होगा इस कम्युनिकेशन में। ये जो कम्युनिकेशन किया जाएगा मैनेजमेंट को ऑल डेफिशिएंसीज, टीसीडब्ल्यूजी को सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, इसमें क्या शामिल होगा। पहला हम मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन देंगे, यानी जो डेफिशिएंसी मिली है उसका एक डिस्क्रिप्शन देंगे, उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या हो सकता है ये बताएंगे। दूसरा पॉइंट, जब ये कम्युनिकेशन करेंगे इसका एक कंटेक्ट देंगे ताकि टीसीडब्ल्यूजी को ये समझ में आए कि कम्युनिकेशन क्यों किया गया है। सो कंटेक्ट ऑफ सच कम्युनिकेशन हम देंगे, वो कंटेक्ट क्या होगा हम बताएंगे। पहला सर द पर्पस ऑफ ऑडिट वॉज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा सर वी हैव रिव्यूड द इंटरनल कंट्रोल रिलीवेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ अवर ऑडिट बट वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस। तीसरा सर आपको जो हमने कम्युनिकेशन किया है द डेफिशिएंसीज कम्युनिकेटेड टू यू आर दोज व्हिच आर आइडेंटिफाइड इन द कोर्स ऑफ ऑडिट एंड हैविंग मेरिट एज पर अवर प्रोफेशनल जजमेंट टू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी। तो बच्चों ये एक जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज टू टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टू टीसीडब्ल्यूजी, उसके अंदर क्या शामिल चीजें होंगी, या कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी की बात करें उसमें क्या शामिल होगा। कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी में शामिल होगा पहला सर वो डेफिशिएंसी का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, उस डेफिशिएंसी का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ताकि मैनेजमेंट को टीसीडब्ल्यूजी को समझ में आए कि ये कम्युनिकेशन क्यों किया जा रहा है। एक कंटेक्स्ट उसमें शामिल कर देंगे, क्या शामिल करेंगे कंटेक्स्ट, पहला हम बताएंगे कि सर ये डिस्क्रिपेंसी क्या है, हमने आपको जो डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेट की है वो क्यों की है। सर हमारा पर्पस तो ऑडिट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ऑडिट के दौरान हम कुछ इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करते हैं, वो इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करते हैं विच आर रिलीवेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपको जो कम्युनिकेशन किया गया है दे आर दोज विच हैव बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। इस स्टैंडर्ड से एक और क्वेश्चन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सर सारी डेफिशिएंसीज ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर ली, हाउ टू डिटरमाइन विच डेफिशिएंसीज आर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। यहाँ दो थोड़े आपस में इंटरलिंक कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, पहला है मैटर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और दूसरा है इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। सो लेट्स कवर बोथ ऑफ देम बच्चों, ये थोड़े कंफ्यूजिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट, ऐसे हम सारी चीज कवर कर रहे हैं। सो मैटर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, पहला लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसी, क्या यहाँ पर कोई संभावना है कि इस डेफिशिएंसी से एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रह जाएगा। सो लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसी विच रिजल्ट्स इनटू मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा
चांसेस ऑफ लॉस ऑफ फ्रॉड, क्या इस डेफिशिएंसी से कोई लॉस या फ्रॉड हो सकता है। तीसरा, फाइनेंशियल अमाउंट एक्सपोज्ड टू दैट डेफिशिएंसी, सर इस कंट्रोल के कारण मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 50 करोड़ के आइटम हैं जो इससे अफेक्ट हो जाएंगे, तो ये कहलाएगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। इसी से मिलता जुलता हम एक और पॉइंट यहां पर लेंगे, सर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट विद डेफिशिएंसी, इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कंट्रोल, कॉज एंड फ्रीक्वेंसी, दैट मींस सर क्या रीजन है इस डेफिशिएंसी का, क्या ये मैनुअल कंट्रोल है जहां पर हमें कमी मिली है या ऑटोमेटेड कंट्रोल है जहां हमें कमी मिली है। सब्जेक्टिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्या ये डेफिशिएंसी हमें एक ऐसे एरिया को लेके मिली है जहां सब्जेक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, अकाउंटिंग एस्टीमेट से रिलेटेड बात है। बच्चों ये 5-6 पॉइंट अच्छे से तैयार करेंगे। क्या है मैटर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी? पहला हमने बोला likelihood of deficiency results into leading to material misstatement in financial statement. दूसरा सर इस deficiency से loss या fraud के chances हैं। तीसरा सर financial statement का amount जो exposed हो रहा है वो हम consider करेंगे। चौथा सर volume of the transaction वो कितने अफेक्ट हो रहे हैं वो हम कंसिडर करेंगे। पांचवा सर इस कंट्रोल की इम्पोर्टेंस क्या है। सिक्स सर कॉज और नेचर क्या है इस पर्टिकुलर डेविएशन का। और देन लास्ट सर सब्जेक्टिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी या एस्टीमेट को लेकर क्या ये कंट्रोल है। इन सब से हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। बच्चों ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, क्या मैटर्स पूछ रहे हैं, मैटर फॉर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी पूछ रहे हैं, तो ये पॉइंट है। अगर वो हमें पूछते हैं हाउ ऑडिटर विल डिटरमाइन दैट दिस इज ए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, गिव एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर ऑफ सच, तो इंडिकेटर क्या है देखिए, यानी ये एग्जांपल हैं इंडिकेटर के जो आपको बताएंगे कि इस एंटिटी में कुछ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल हैं। मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सेग्रीगेशन करके याद करने हैं। पहला, इविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। बच्चों हमने एक ट्रायंगल पढ़ा था, एलिमेंट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट जो सबसे नीचे वाला बेस होता है हमारे सारे कंट्रोल्स का, पॉलिसी प्रोसीजर, मैनेजमेंट की एथिकल वैल्यूज, जैम कंसेप्ट, AAA सेट्स द टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद आ गया? हाँ सर याद आ गया। सो एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इट इंडिकेट्स दैट यहां पर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होंगी। दूसरा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही नहीं है। सर इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट का पहला एस्पेक्ट था कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा था रिस्क असेसमेंट। सर कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। सर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नहीं है, सर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। सर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस तो है पर इफेक्टिव नहीं है, फिर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। तो तीन पॉइंट तो तैयार हो गए बच्चों, पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट इफेक्टिव नहीं है, दूसरा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नहीं है, तीसरा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है पर इफेक्टिव नहीं है, तो भी सर ऐसा होगा। फोर्थ पॉइंट सर इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड, हमारा थर्ड कॉम्पोनेंट होता है कंट्रोल प्रोसीजर्स, कंट्रोल एक्टिविटीज। आइडेंटिफाइड रिस्क के बेस पर हम क्या बनाते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज। तो सर एक रिस्क मिली लेकिन उसके लिए जो कंट्रोल लगाना था वो अच्छा नहीं है या नहीं है, इसका क्या मतलब है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मिलेगी। तो फोर्थ पॉइंट हो गया सर इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड रिस्क। ठीक है, तो हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ट्रायंगल से हमें चार पॉइंट याद हो गए। पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, दूसरा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नहीं है, तीसरा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है सर है परंतु इफेक्टिव नहीं है। फोर्थ पॉइंट सर एक रिस्क मिली उसके लिए जैसे कंट्रोल डिजाइन होने थे वो मिसिंग है। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं,
मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय ऑडिटर नॉट प्रिवेंटेड. सर ऑडिटर को मिसस्टेटमेंट मिल रहे हैं जो आइडियली रुक जाने चाहिए थे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम द्वारा, नहीं रुके गए. इसका मतलब सर यहां पर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी. नेक्स्ट, इविडेंस ऑफ मैनेजमेंट इन अबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सर मैनेजमेंट या तो नहीं समझता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में या इतना ऑक्यूपाइड है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी नहीं कर पा रहे हैं. जब वो ओवरसी नहीं करेंगे इट इज एन इंडिकेशन कि यहाँ इंटरनल कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जरूर होगी. तो बच्चों ऐसे 265 और 260 दोनों में दो दो तीन तीन सिर्फ कंसेप्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है. ऐसे 265 में क्या बात की क्विकली, ऐसे 265 में समझा पहले डेफिशिएंसी क्या होता है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होता है. फिर इस स्टैंडर्ड में हमने तीन क्वेश्चन बनाए, तीन क्वेश्चन. पहला हमने बोला कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी, किसको करेंगे, मैनेजमेंट को ऑल डेफिशिएंसी, टीसीडब्ल्यूजी को सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. सर इस कम्युनिकेशन में क्या शामिल होगा, व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. पहला बताएंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी. दूसरा सर इसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, और उन्हें हम वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग दिस जो मैनेजमेंट को ये समझने में हेल्प करे. साथ ही एक कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ शामिल कर देंगे. कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा, बताएंगे हमारा ऑब्जेक्टिव ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उस पर ओपिनियन देना है. इंटरनल कंट्रोल हम ऑडिट में सिर्फ वो वाले देखते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं और हम इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन नहीं दे रहे हैं. तीसरा सर जो आपको कम्युनिकेशन किया गया है ये वो डेफिशिएंसीज हैं जो ऑडिट के दौरान मिली और हमारे जजमेंट के अकॉर्डिंग मेरिट रखती हैं कि आपको कम्युनिकेट की जाए. ये हमने पढ़ा क्या कम्युनिकेशन करना है. फिर दो क्वेश्चन जो और हैं क्या है, पहला मैटर्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, उसमें हमने बात की सर लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसी क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. दूसरा चांसेस है से लॉस और फ्रॉड होने के, सर इस डेफिशिएंसी से एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपोज हो रहा है. चौथा सर इस डेफिशिएंसी से बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो रहा है. सर इस कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या है, सर कॉज और फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिशिएंसी क्या है, क्या कॉज है, कितनी बार पूरे साल में यह डेफिशिएंसी या डेविएशन मिला है, और सर क्या यह सब्जेक्टिविटी कॉम्प्लेक्सिटी एस्टिमेट वाले एरिया में है. यह है बच्चों मैटर्स. बहुत ध्यान से समझना बच्चों कि मैटर पूछा है या इंडिकेटर पूछा है. तो दो न्यू स्टैंडर्ड जो चैप्टर 7 में दिए थे ऐसे 260 और 265 ये हमने बच्चों कवर कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब चैप्टर 7 में एक और स्टैंडर्ड दिया है बच्चों ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट. क्विकली यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर की बात करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन पर आ जाते हैं. सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, सर इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड फैक्ट बिकम नोन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फैक्ट बिकम नोन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. हमने हमारी सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में दो चीज़ें कवर की हुई है. एक है इवेंट जो कहां से शुरू होंगे कहां तक होंगे, सर इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इनको कहेंगे इवेंट. एंड इसके बाद में कोई चीज पता चलती है उसे हम कह रहे हैं फैक्ट. फैक्ट बिकम नोन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फैक्ट बिकम नोन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इन दोनों को मिलाकर नाम दिया गया है सब्सिक्वेंट इवेंट. यहाँ पर हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे उसकी बात करते हैं. हमने ऑडिट प्रोसीजर पढ़ने के लिए इसे तीन पार्ट में बांट लिया था. सर इवेंट के लिए हमारे ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे और फैक्ट्स के लिए क्या होंगे. तो पहले इवेंट के लिए पढ़ते हैं. इवेंट मीन्स सर हमें डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक जितनी चीजें इवेंट पता चल रहे हैं उनके लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे. ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. किस बारे में, दैट ऑल इवेंट्स व्हिच रिक्वायर ईदर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर. आपको याद है आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर होता है. तो एज पर ऑडिटर हमें ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जुटाने हैं
कि क्या सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो गए जिनका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिक्वायर है, क्या वो कर लिया गया है। तो हम ये 5 ऑडिट प्रोसीजर बच्चों लगाएंगे। क्या? फर्स्ट, सबसे पहले ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड प्रोसीजर अप्लाइड बाय ऑडिटर टू आइडेंटिफाई सच इवेंट। मैनेजमेंट ने वो क्या प्रोसीजर लगाए हुए हैं जिससे वो ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दूसरा, इंक्वायरी विद मैनेजमेंट एंड TCWG। मैनेजमेंट से इंक्वायरी कीजिए, TCWG से इंक्वायरी कीजिए कि क्या ऐसा कोई सब्सिक्वेंट हुआ है सर। तीसरा, रीडिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग। आप लेटेस्ट जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनके मिनट्स को रीड कीजिए। फोर्थ, रीड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपकी ऑडिट के दौरान अब तक कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं उसे रीड कीजिए। एंड लास्ट, मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लीजिए। तो बच्चों, सब्सिक्वेंट इवेंट के दो पार्ट हैं, इवेंट और फैक्ट। इवेंट को चेक करने के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, इवेंट के रेस्पेक्ट में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, इवेंट के रेस्पेक्ट में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जुटाइए। किस बारे में? क्या सारे इवेंट आइडेंटिफाई हो गए? अगर उनके लिए एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है तो कर लिए गए हैं क्या? इसके लिए 5 चीजें करेंगे। सर, पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे मैनेजमेंट के द्वारा अप्लाई किए गए मेथड, अप्लाई किए गए प्रोसीजर जिनसे वो सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करते हैं। इंक्वायरी करेंगे TCWG और मैनेजमेंट से। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गए हैं तो वो रीड करेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग रीड करेंगे, और सर हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। बच्चों, ये 5 ऑडिट प्रोसीजर हो गए। देन फिर आते हैं बच्चों हमारे फैक्ट्स को लेकर ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे। फैक्ट्स में 2 चीजें हमने बात की। क्या होता है फैक्ट्स? पहला, सर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जो चीजें पता चली, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के भी बाद पता चली, ये दोनों कहलाते हैं फैक्ट। इनके रेस्पेक्ट में ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे? इनके रेस्पेक्ट में ऑडिट प्रोसीजर, पहली चीज, सर हमारे पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम फैक्ट पर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें क्योंकि हम ऑडिट रिपोर्ट इशू कर चुके हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड एफर्ट्स हम लगाएंगे। वो क्या है? पहला, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कि क्या ये फैक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसके कारण से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करने का सोच रहे हैं। तो सेकंड, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स अमेंडमेंट। अगर अमेंडमेंट करना है तो मैनेजमेंट को पूछेंगे, देन सर हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस मैटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फैक्ट को लेकर हमारे 3 प्रोसीजर क्या? पहला, डिस्कस कीजिए मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। दूसरा, सर मैनेजमेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करने वाला है, रिवाइज करने वाला है, तो आप चेक कीजिए वेदर देयर इज ए नीड टू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडमेंट, क्या लॉ और रेगुलेशन अलाउ करते हैं। तीसरा, इंक्वायरी हाउ मैनेजमेंट इज गोइंग टू एड्रेस दिस इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 ऑडिट प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ फैक्ट। अब बच्चों आते हैं एक यूनिक पॉइंट पर, जो है हमारी ऑडिट रिपोर्ट या हमारे रिपोर्टिंग से लेकर। पहला केस समझना बच्चों, ये 2 स्लाइड अब जो पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, सर जो फैक्ट हमें पता चलते हैं, फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इश्यूड। हम फैक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, फैक्ट की। अगर फैक्ट मुझे पता चले, कब पता चले? सर ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद। लेकिन सर अभी भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किए, इस केस में क्या सिचुएशन बन रही है? अगर मैनेजमेंट इज इंटेंड्स टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट बोल रहा है सर अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करेंगे, लॉ रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, ऐसा अलाउ करता है, तो क्या करेंगे? कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर ऑन अमेंडमेंट। जो भी अमेंडमेंट मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करने वाला है उस अमेंडमेंट को आप चेक कर लीजिए, दैट मीन्स कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करेंगे। ये 2 तरह से हो सकता है, या तो जो ऑडिट रिपोर्ट पहले दी थी उसके अंदर एक्स्ट्रा पैरा ऐड कीजिए जिसके अंदर एक सेपरेट डेट डालिए। देखिए क्या लिखा है, अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू इंक्लूड एन एडिशनल
एडिशनल डेट रेस्ट्रिक्टेड टू दैट अमेंडमेंट. हम उस अमेंडमेंट की चेकिंग को लेकर हमारा एक सेपरेट पैरा विद एन एडिशनल डेट वहां पर ऐड कर देंगे, यानी कि एग्जिस्टिंग रिपोर्ट को ही अमेंड किया. दूसरा ऑप्शन, प्रोवाइड ए न्यू अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट. प्रोवाइड ए न्यू अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट, और उस अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट में एक इम्फेसिस ऑन मैटर पैरा या अदर मैटर पैरा इस बारे में डाल देंगे कि सर हमने क्या अमेंडमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुआ था, उसके रेस्पेक्ट में हमारे ऑडिट प्रोसीजर क्या अप्लाई किए हैं. देख लीजिए बच्चों, क्या हमने बोला, हम सर अगर फैक्ट्स का ऑडिट कर रहे हैं. फैक्ट्स मतलब कौन से फैक्ट होते हैं. फैक्ट को हमने दो पार्ट में बांटा है सर, ऑडिट रिपोर्ट के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक, और दूसरा ऐसे फैक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद पता चले. तो पहला जो केस है कि सर ऑडिट रिपोर्ट के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने की डेट तक, वहां पर हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. इफ मैनेजमेंट डिसाइड्स टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तभी होगा जब लॉ एंड रेगुलेशन ऐसा अलाउ करते हैं. तो क्या करेंगे सर, अमेंडेड पार्ट पर ऑडिट प्रोसीजर लगा देंगे. दूसरा सर, हमारी ऑडिट रिपोर्ट में दो ऑप्शन है, या तो ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर लेंगे, एक नई डेट उसमें एडिशनल आ जाएगी और जो हमने नया पार्ट चेक किया है उसके बारे में रिपोर्टिंग हो जाएगी. दूसरा सर, पुरानी रिपोर्ट को छोड़ दीजिए, नई अमेंडेड रिपोर्ट दे दीजिए और उसके अंदर एक ईओएम ओएमपी पैरा डाल दीजिए कि सर हमने अमेंडमेंट पर क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाए. दैट्स इट. नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ऐसे फैक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के भी बाद पता चले, उसके रेस्पेक्ट में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. सर उसके रेस्पेक्ट में अगर मैनेजमेंट अब बोलता है कि वी वांट टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम उसी केस की बात कर रहे हैं. आपको केस बना के दे दिया जाएगा बच्चों कि एक फैक्ट बाद में पता चला, मैनेजमेंट वॉन्ट कि नाउ दे वॉन्ट टू रिवाइज और अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज एन ऑडिटर हाउ यू विल एड्रेस दिस. तो हम उस केस को पढ़ रहे हैं. तो मैनेजमेंट, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए, यानी कि सारे शेयर होल्डर्स को भेज दिए, उसके बाद अब एक फैक्ट पता चला जिसके कारण से मैनेजमेंट बोलता है वी वांट टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब क्या करना है, पहला केस सर कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर ऑन अमेंडेड पार्ट, ठीक है. दूसरा सर, ऑडिट रिपोर्ट में सेम वैसा ही अमेंड कर देंगे ऑडिट रिपोर्ट को या अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट. तीसरा इंपॉर्टेंट केस जो नई बात है, रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट. क्योंकि बच्चों अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबको सर्कुलेट हो चुके हैं, तो हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि सर आप अब ऐसी कौन सी स्टेप ले रहे हो जिनसे जिन लोगों को पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल चुके हैं उन्हें ये पता चल जाए कि देयर इज ए रिविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर इज ए रिविजन इन द ऑडिट रिपोर्ट. तो इसके लिए हमने क्या लिखा पॉइंट, रिव्यू द स्टेप्स taken by management to ensure that anyone in receipt of previous financial statement and previous audit report is informed the situation. Agar management aise appropriate action nahi le raha hai, then auditor should himself take such appropriate action. To bachon thoda offbeat standard, अगर थोड़ा सी भी पेपर को ट्रिकी बनाना होता है तब जरूर ऐसे 560 से क्वेश्चन को डाल दिया जाता है. 560 में हमने बच्चों तीन केस पढ़े, तीन मेन बातें पढ़ी. क्विकली वापस से समराइज कर रहा हूँ. पहला हमने पढ़ा कि सर सब्सिक्वेंट इवेंट, हमारे दो चीजें इसमें शामिल होती है सर, इवेंट्स, ऑल द इवेंट्स ऑकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. उसके लिए हमारे पांच ऑडिट प्रोसीजर पढ़ लिए. क्या पांच ऑडिट प्रोसीजर पढ़ लिए सर, हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस से इंक्वायरी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग जुटाएंगे एंटिटी के प्रोसीजर्स की, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ेंगे और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे. ये पार्ट खत्म. दूसरा, फैक्ट में हमारे पास दो चीजें हैं बच्चों. क्या सर, ऐसे फैक्ट जो हमें ऑडिट रिपोर्ट के बाद पर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक पता चल गए, और दूसरा सर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू होने के बाद पता चले, इन दोनों केसेस में हमारे प्रोसीजर या हमारे एफर्ट्स क्या होंगे. अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करता है सर, अमेंडेड पार्ट पर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, उसे चेक करेंगे. ऑडिट रिपोर्ट में दो ऑप्शन है, या तो पुरानी रिपोर्ट को ही अमेंड कर देंगे एडिशनल डेट के साथ, या फिर नई अमेंडेड रिपोर्ट दे देंगे और उसमें ईओएम या ओएमपी पैरा डाल देंगे.
ठीक है सर, अगर हमें फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सर्कुलेट होने के बाद पता चले और अब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करना चाहता है, क्या करेंगे सर? अमेंडेड पार्ट पर ऑडिट प्रोसीजर लगा देंगे सर। ऑडिट रिपोर्ट में सेम दो ऑप्शन, या तो हम ऑडिट रिपोर्ट के को पुरानी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देंगे विद एडिशनल डेट, या नई अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ क्या ऐड हो गया सर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट हो चुके हैं तो मैनेजमेंट से पूछेंगे हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस फैक्ट दैट ऑल द पीपल हु हैज रिसीव्ड द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट दे शुड बी इन्फॉर्म्ड दिस सिचुएशन। अगर मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिए हैं देन ऑडिटर शुड हिमसेल्फ टेक सच अप्रोप्रिएट एक्शन। दैट्स ऑल इन एसए 260। तो बच्चों ये दो स्टैंडर्ड SA 260, 265 and SA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट ये हमने कवर कर लिए। अब आते हैं बच्चों SA 570। हम वो सारे इंपॉर्टेंट ऐसे जो चैप्टर नंबर 7 में दिए फटाफट से कवर कर रहे हैं बच्चों। गोइंग कंसर्न को लेकर सिर्फ एक बात करेंगे, गोइंग कंसर्न के रेस्पेक्ट में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो मैनेजमेंट ने यूज़ किया है उसका अप्रोप्रिएटनेस चेक करे क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोज किया गया है। तीसरा सर इनहेरेंट लिमिटेशन का इफेक्ट होता है फ्यूचर इवेंट्स का। फोर्थ पॉइंट, अगर हमारी ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का इस फैक्ट को मेंशन नहीं किया है, मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में कोई बात नहीं हुई है, इट डज नॉट मीन ए गारंटी दैट गोइंग कंसर्न इज एग्जिस्ट। एंड लास्ट में सर हमें मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए कि क्या उन्होंने गोइंग कंसर्न के असेसमेंट में सारी चीज़ों को शामिल सारे पहलुओं को शामिल किया है। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न। एक और ऑफ बिट क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड से जो अब तक नहीं पूछा है बच्चों उसकी बात करते हैं। इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट या इवेल्युएटिंग प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट, बच्चों इस स्टैंडर्ड में बताया है कि मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज करने के लिए एक असेसमेंट करना चाहिए। फिर ऑडिट प्रोसीजर में बताया कि ऑडिटर को मैनेजमेंट के असेसमेंट को इवैल्यूएट करना चाहिए। ये इवैल्यूएशन कैसे करेंगे इसको लेके 4-5 पॉइंट। पहला सर ऑडिटर को मैनेजमेंट के असेसमेंट को इवैल्यूएट करना है। दूसरा सर हम उतना ही पीरियड कवर करेंगे इवैल्यूएशन के लिए जितना पीरियड मैनेजमेंट ने अपने असेसमेंट के लिए कवर किया है। तीसरा सर अगर मैनेजमेंट ने 12 मंथ से कम का पीरियड अपने असेसमेंट में कवर किया है तो मैनेजमेंट को बोलेंगे सर यू शुड एट लीस्ट कवर नेक्स्ट 12 मंथ। देन उसके बाद सर अगर मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट किया है हम उनसे डिस्कस करेंगे क्या आपने सारे एस्पेक्ट्स इस असेसमेंट करते समय शामिल कर लिए, जैसे पेंडिंग लिटिगेशन क्या है, गवर्नमेंट का कुछ लिटिगेशन या मैटर क्या चल रहा है, क्या आपने ये सारे मैटर वाइल डूइंग इवेल्यूएशन कंसिडर किए हैं। और लास्ट सर मैनेजमेंट ने जितने पीरियड का को कवर किया है अपना असेसमेंट करते समय इसके बियॉन्ड ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में एक इंक्वायरी कर लेना है। तो बच्चों ये एकदम ऑफ बिट क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। क्या हमारा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, हाउ ऑडिटर विल इवेल्यूएट प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन रिगार्डिंग यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो 4-5 पॉइंट बोले, पहला ऑडिटर को इवेल्यूएट करना है मैनेजमेंट का असेसमेंट, दूसरा उतना ही पीरियड कवर करना है जितना मैनेजमेंट ने किया है, तीसरा अगर ये पीरियड 12 मंथ से कम का है तो हम बोलेंगे सर एटलीस्ट कवर 12 मंथ पीरियड, देन सर हम पूछेंगे मैनेजमेंट को क्या आपने सारे एस्पेक्ट इस असेसमेंट में कंसीडर किए हैं, ये बात हम इवेल्यूएट करेंगे, एंड लास्ट सर इस पीरियड के बाद कोई ऑडिट प्रोसीजर हम नहीं लगाते हैं, ओनली इंक्वायरी करते हैं। तो बच्चों ये वाला पार्ट है गोइंग कंसर्न के अंदर, थोड़ा ऑफ बिट इसे पढ़ के जाइएगा। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक बार देख लेना है बच्चों, ये इजी पार्ट है, इसका क्वेश्चन लेटेस्ट में पूछा भी था तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ वी विल कम टू SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मीन्स ए रिटर्न स्टेटमेंट बाई मैनेजमेंट और TCWG गिवन टू ऑडिटर टू कन्फर्म सर्टेन मैटर टू गिव एडिशनल कम्फर्ट और सपोर्ट
ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस, ये है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक दो क्वेश्चन जो हमको इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें डिस्कस करना है, उसकी बात करते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों, हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेते हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप याद कीजिए, हमने प्रीमाइस पढ़ा हुआ है, यानी ये इंगेजमेंट लेटर का भी पार्ट होता है। यस, वही सारे पॉइंट हैं बच्चों, वही सारे पॉइंट हैं, लेकिन फिर भी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में फिर से हम उसको लेने की बात कर रहे हैं। क्या पॉइंट है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व कंफर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉलोइंग एरियाज। पहला, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमने एंगेजमेंट लेटर में भी लिखा है, यहाँ भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। तो हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ए एफ आर एफ। एक मिनट बच्चों, यस, स्लाइड इज अपीयर। देन नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन और इंफॉर्मेशन। ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि सर, आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये लिख कर दीजिए कि आपने सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी है, ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन टू अस विच इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर बच्चों, ये क्यों चाहिए? Why this is required? Why this is needed? ये एक और aspect हम cover कर रहे हैं। Audit evidence obtained during audit that management has fulfilled its responsibility is not sufficient without obtaining confirmation। बच्चों, हम अगर मैनेजमेंट से ये लिखवा कर ना लें कि उन्होंने सारी responsibilities फुलफिल की हैं which are required as per AFRF to prepare financial statement, तो सिर्फ उसके evidence जुटाना sufficient नहीं माना जाएगा। तो आप engagement letter में तो ये बात बोलते ही हैं, आप इसका written representation भी लीजिए। engagement letter में आप क्या बोलते हैं कि management agree। अभी हम बोल रहे हैं मैनेजमेंट ने ये एक्सेप्ट किया है कि यस, दे हैव फुलफिल्ड। सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड ड्यूरिंग ऑडिट इज नॉट सफिशियंट दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला पॉइंट। दूसरा, ऑडिटर में आस्क मैनेजमेंट टू रिकन्फर्म इट्स एक्नॉलेजमेंट। सर, हम मैनेजमेंट को रिकन्फर्म करने का क्यों कह रहे हैं जबकि इंगेजमेंट लेटर में आ चुकी है ये बात? रिकन्फर्म करने का क्यों कह रहे हैं या कब हमें कहना चाहिए? पहला, सर, जब हमें ऐसा लगे कि मैनेजमेंट ने मिसअंडरस्टूड किया है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को, या हमें ऐसा लगे सर एंटिटी के बिहाफ पर जिन लोगों ने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन किया था दे आर नाउ नॉट अवेलेबल, या वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुके हैं, या वो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देख रहे हैं। क्विकली रीड करते हैं, दोज हु हैव साइंड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी नो लॉन्गर हैव रिलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट प्रिपेयर्ड इन प्रीवियस ईयर, ओके, इंडिकेशन दैट मैनेजमेंट मिसअंडरस्टूड और चेंज इन सर्कमस्टांसेस। इन सब केसेस में ये लेना, रिकन्फर्म करना और भी ज़रूरी हो जाएगा। तो बच्चों, दो एस्पेक्ट पढ़े। पहला, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रेस्पेक्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। दो बातें वहाँ पर पढ़ी, किस बारे में? प्रिपरेशन के बारे में और कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। फिर ये क्यों लेना है? सर, क्योंकि ऑडिट एविडेंस जो हमें मिलते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट दे आर नॉट सफिशियंट दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, सर, ऐसा रिकन्फर्मेशन और भी जरूरी हो जाता है इन चार सिचुएशन में। कब? सर, जब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट प्रीवियस ईयर में साइन हुई हो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जिसने एंटिटी के बिहाफ पर अग्री की थी अब वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देख रहे हैं, ऐसा इंडिकेशन मिले कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मिसअंडरस्टूड की गई हैं, और चौथा, सर, सरकमस्टांसेस में चेंज आ गया है। इन चारों केसेस में ही और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
Next, a very offbeat question. Sir, written representation about a specific assertion. इस heading को देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर एक ये line लिखी है, to obtain audit evidence or evaluating judgment and intentions, the auditor may consider one or more of below. मतलब कुछ specific assertions के बारे में हम management को बोल सकते हैं कि आप हमें written representation दीजिए. उसके क्या example हैं? जैसे पहला, entity's past history in carrying out its stated intention. इसका इसको समझने के लिए मैंने आगे एक example लिया है. जैसे investment की बात करें बच्चों, investment का valuation इस बात पर depend करता है कि वो current investment है या long term investment है. करंट या लॉन्ग टर्म कैसे पता चलेगा? मैनेजमेंट के इंटेंशन से पता चलेगा. सर, मैनेजमेंट का इंटेंशन, अभी उन्होंने बोला कि ये करंट इन्वेस्टमेंट है, बाद में बोला नहीं नहीं ये तो लॉन्ग टर्म हमने रखा, तो कैसे पता चलेगा? लिखवा के लेंगे कि सर मैनेजमेंट का इंटेंशन है दीज इन्वेस्टमेंट आर होल्ड एज करंट इन्वेस्टमेंट, तो हमारा वैल्यूएशन का मेथड बदल जाएगा. अगर मैनेजमेंट बोलता है दीज इन्वेस्टमेंट आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल जाएगा. सो स्पेसिफिक असर्शन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहता हूं. तो बच्चों हेडिंग समझा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट स्पेसिफिक असर्शन. ये थोड़ा यूनिक एक टॉपिक बच्चों, इसीलिए हम कवर कर रहे हैं रिवीजन में भी कि बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है. सो एंटिटीज पास्ट हिस्ट्री इन कैरिंग आउट इट्स स्टेटेड इंटेंशन. सर मैनेजमेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या रही है? क्या वो जो इंटेंशन हमें बोलते थे वो बाद में बदल जाता था? तो हमने बोला सर आप लिख कर दीजिए, ऑब्टेन ए रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट इंटेंशन. दूसरा, एंटिटीज रीजन फॉर चूजिंग ए पर्टिकुलर एक्शन. सर एंटिटी कुछ पर्टिकुलर एक्शन ले रही है, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने बच्चों समझने के लिए, एक पेंडिंग लिटिगेशन है, उसके ऊपर मैनेजमेंट का स्टैंड है दैट वी डज नॉट रिक्वायर टू मेक एनी प्रोविजन बिकॉज दे आर वेरी श्योर दैट दे विल विन दैट लिटिगेशन. ये बात लिखवा कर लेंगे मैनेजमेंट से कि देयर आर ए पर्टिकुलर रीजन फॉर ए पर्टिकुलर एक्शन, दैट मीन्स देयर इज ए रीजन फॉर नॉट मेकिंग प्रोविजन फॉर दिस लिटिगेशन. मैनेजमेंट से इस बात को लिखवा कर लेंगे, व्हाट आर द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्शन सर, आप हमें लिख कर दे दीजिए, यानी रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए. थर्ड, द एंटिटीज एबिलिटी टू परस्यू ए स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन. स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन हमने गोइंग कंसर्न वाला ऐसे पढ़ा, वहां पर अगर हमें मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न एजम्पशन पर डाउट होता है तो हम मैनेजमेंट के प्लान्स डिस्कस करते हैं कि क्या आप कुछ एसेट लिक्विडेट करने वाले हैं, फ्यूचर कैश फ्लो कैसे हैं, अनफुलफिल्ड ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे, क्या पेरेंट कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट या कमिटमेंट है कि वो हमें हेल्प करेंगे, ऐसी कुछ बातें होती है. इन्हीं बातों को हम क्या बोल रहे हैं, सर इसको आप हमें लिख कर दीजिए. अगर एंटिटी की एबिलिटी है फॉर ए पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक्शन को वो परस्यू कर रहे हैं, वो बोलते नहीं सर हमारा गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट है बिकॉज वी आर इन डिस्कशन टू लिक्विडेट सर्टेन असेट, जहां से कैश फ्लो आएगा, तो ऐसी बात को हम बोलेंगे सर आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दीजिए. फोर्थ, इंफॉर्मेशन ऑब्टेंड इन द कोर्स ऑफ ऑडिट इनकंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट जजमेंट. जैसे मैनेजमेंट ने हमें बताया था कि सर हमारे ऊपर 3 पेंडिंग लिटिगेशन है, पर इन द कोर्स ऑफ ऑडिट हमें ऐसे एविडेंस मिले कि दे आर मोर देन 3. अब यहाँ पर डाउट आ गया तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे सर आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दीजिए अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन. तो बच्चों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट स्पेसिफिक असर्शन, एकदम ऑफ बिट डिफरेंट टॉपिक. पहला हमने बोला सर मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या है, मैनेजमेंट की हिस्ट्री अबाउट द इंटेंशन. दूसरा, सर मैनेजमेंट ने एक पर्टिकुलर एक्शन लिया है उसके रेस्पेक्ट में, मैनेजमेंट ने एक स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन परस्यू किया है उसकी के बारे में. एंड फोर्थ, सर अगर मैनेजमेंट ने जो बातें हमें बताई थी इन द कोर्स ऑफ ऑडिट हमें वो इनकंसिस्टेंट लगती है तो उसके बारे में. लास्ट पार्ट, ऑडिटर
कि ऑडिट रिपोर्ट को लेकर, ऑडिटर के एक्शंस को लेकर, यहाँ पर दो हमने केस बनाए बच्चों। ऑडिटर ने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया, ठीक है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मिला, हमें उसकी रिलायबिलिटी पर डाउट है। रिलायबिलिटी पर डाउट है कैसे? सर, ऑडिटर हैज कंसर्न विद द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। हमें इस बात पर डाउट है कि मैनेजमेंट ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस को लेकर जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसकी रिलायबिलिटी पर डाउट है। या सर, हमें जो ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं, वो मैनेजमेंट की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से इनकंसिस्टेंट है। अगर इन सब आधार पर हमने ये कंक्लूड किया दैट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नॉट रिलायबल, क्या करेंगे? डिस्क्लेम द ओपिनियन, डिस्क्लेम द ओपिनियन। दूसरा केस, सर वन और मोर रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड। मैनेजमेंट को हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा, मैनेजमेंट वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, पहले डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से, डिस्कस करेंगे TCWG से, उनकी इंटीग्रिटी को री इवेल्यूएट करेंगे। अगर हमें लगता है वो फिर भी नहीं दे रहे हैं, देन वी शुड डिस्क्लेम द ओपिनियन रिगार्डिंग दैट मैटर। तो ये है बच्चों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी है, वहाँ पर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शामिल किया है। पिछले दो अटेम्प्ट से जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इस स्टैंडर्ड को बच्चों बिल्कुल भी मत छोड़ना। चलिए, एक और नया स्टैंडर्ड SA 450, इवेल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। बच्चों हम सारे नए स्टैंडर्ड या इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स कवर कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने 260 देख लिया, 265 देख लिया, 560, 570, 580, अब एक और नया स्टैंडर्ड 450, इवेल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। बहुत थोड़ा सा इसका पार्ट हमको कवर करना है। अगर ऑडिट के दौरान मिस स्टेटमेंट ऑडिटर को मिलते हैं तो हाउ टू ट्रीट दैट। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है बच्चों। पहला, हम सारे मिस स्टेटमेंट अक्यूमुलेट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, उन्हें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे करेक्शन का। अगर मैनेजमेंट डिनाई करता है तो उनसे रीजन पूछेंगे। हम चेक करेंगे क्या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट हमारी मटीरियलिटी के लेवल को रीच करते हैं क्या, उस अकॉर्डिंग हमारे ऑडिट के हम ओपिनियन डिसाइड करेंगे। देखो बच्चों, क्विकली रीड करते हैं, अक्यूमुलेट मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। दूसरा, कंसीडर इफ द अबव प्रोसेस इंडिकेट दैट अदर मिस स्टेटमेंट में एग्जिस्ट, तो क्या करेंगे, हम हमारी मटीरियलिटी के अकॉर्डिंग उसे कंपेयर करेंगे। तीसरा, इफ सो कंसीडर रिविजन इज नेसेसरी इन स्ट्रेटेजी, अगर आपको लगता है कि और बहुत सारे मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, देन रिवाइज योर स्ट्रेटेजी एंड प्लान। फोर्थ, कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को टाइमली बेसिस पर कि आप इन सारे मिस स्टेटमेंट को करेक्शन कीजिए। फिफ्थ पॉइंट, सर मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज करता है करेक्ट करने का, उसका रीजन समझेंगे और इवेल्युएट करेंगे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इफेक्ट। एंड फोर्थ, अगर मैनेजमेंट करेक्ट करने में फेल हो जाता है तो हम हमारी मटीरियलिटी को रीअसेस करेंगे और हमारी ऑडिट ओपिनियन पर भी उसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो बच्चों ये एक सीधा सीधा डायरेक्ट हेडिंग हमारे पास है, हाउ ऑडिटर टू इवेल्युएट आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, व्हाट आर द कोर्स ऑफ एक्शन विद फॉर द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ये चार पांच स्टेप्स हमारे पास हैं फॉर द आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। बच्चों ये हमने पूरा चैप्टर नंबर 7 कवर कर लिया है, ऑल द न्यू एसेस यहाँ पर कवर हो गए हैं। अब दो और नए स्टैंडर्ड हैं बच्चों जो आपके कोर्स में इस बार ही इतनी डिटेल में शामिल किए गए हैं, SA 600 and SA 610। SA 600 and SA 610, तो क्विकली उसको भी यहाँ से मैं कवर करवा रहा हूँ बच्चों। SA 600 सीरीज में हमारा मेन कंसेप्ट होता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर पर्सन। यहाँ पर दो स्टैंडर्ड हमारे कोर्स में है, SA 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर एंड SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दोनों नए स्टैंडर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्विकली पूरे कवर करवा रहा हूँ।
अनदर ऑडिटर के केस में हमने बात की, आप एक कंपनी के मेन ऑडिटर हैं और कोई और ऑडिटर ब्रांच का ऑडिटर है, देन हाउ यू कैन यूटिलाइज और यूज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ये एकमात्र क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, एकमात्र कंसेप्ट यहाँ पर इस स्टैंडर्ड में है। पहला, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, बस यही पढ़ना है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। सर कैसे यूज करें? वाइल द यूजिंग द वर्क प्रिंसिपल ऑडिटर, यानी जो मेन ऑडिटर है, शुड ordinarily perform below procedure. हम अगर ये procedure लगाएं तो use कर सकते हैं। क्या क्या? पहला, advise the another auditor about use of his work. Another auditor को पहले से बता देंगे उसके काम का क्या use होने वाला है। Coordinate with them at planning stage. हम planning stage पर ही उनसे communicate करेंगे ताकि उनके audit procedure उस according ही plan हो पाए। तीसरा, inform matter that require special consideration. अगर उस particular branch या component को लेकर आपके कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो पहले से बता दीजिए। इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन, ब्रांचेस में आपस में जो ट्रांजेक्शन हुए उनको कवर करने का भूलेंगे। टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ब्रांच ऑडिटर को एक टाइमलाइन देंगे कि सर यहां तक आप अपना ऑडिट प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। एडवाइस द अदर अनदर ऑडिटर ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जैसे कंपनी पर कारो लगता है तो आप ब्रांच ऑडिटर को बता दीजिए सर आपको भी अपनी रिपोर्ट में कारो शामिल करना है, तो उन्हें स्पेसिफिक अकाउंटिंग ऑडिटिंग के एस्पेक्ट बता देंगे। प्रिंसिपल ऑडिटर माइट डिस्कस द एनटीई और फाइंडिंग्स ऑफ अदर फ्रॉम अनदर ऑडिटर, हम अनदर ऑडिटर से उनकी ऑडिट फाइंडिंग और एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दे अप्लाइड ये डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों एक मात्र क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह का केस बन सकता है कि आपको बोलेंगे यू आर द प्रिंसिपल ऑडिटर, मिस्टर एक्स हु इज अनदर ऑडिटर इज ए ऑडिटर ऑफ कॉम्पोनेंट, मिस आप एज एन ऑडिटर और प्रिंसिपल ऑडिटर यूज करना चाहते हैं इस अदर अनदर ऑडिटर के वर्क को, देन वॉट शुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमने बताया सर हम क्या करेंगे, हम उनको स्टार्टिंग में प्लानिंग स्टेज पर ही क्या कर देंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको उनके काम का यूज हम क्या करने वाले हैं पहले से बता देंगे, उन्हें स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या विशेष बातें ध्यान रखना है वो बता देंगे, सर उन्हें ऑडिटिंग अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग की अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो कम्युनिकेट कर देंगे, ऑडिट का टाइम लाइन कम्युनिकेट कर देंगे, हम सर उनकी फाइंडिंग और ऑडिट प्रोसीजर को डिस्कस कर लेंगे। बस बच्चों ये एक ही क्वेश्चन, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। फिर आते हैं बच्चों यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। बच्चों इतना डिटेल में ये एसएस पहली बार आए हैं तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बार बार मैं बोल रहा हूं आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, अगर आप एक कंपनी के मेन ऑडिटर हैं उस कंपनी में एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो सर आप उसके काम को कैसे यूज कर सकते हैं, तो पहले समझिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है। सर इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ एंटिटी दैट परफॉर्म अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। सर इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ एंटिटी दैट परफॉर्म अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज रिगार्डिंग इम्प्रूवनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दीज थ्री थिंग, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तीन चीजें वो करते हैं। सर गवर्नेंस याद कीजिए, जब हमने पढ़ा था तो हमने बोला था इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ मैनेजमेंट। सर वो बाय द मैनेजमेंट, फॉर द मैनेजमेंट, टू द मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट जो काम करता है वही वो करते हैं। मैनेजमेंट क्या तीन काम करता है? सर वो गवर्नेंस करते हैं यानी मैनेजमेंट करते हैं। सर वो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, यस सर। वो इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं, ये तीनों काम ही इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी बच्चों करेगा। देन सर इंटरनल कंट्रोल फंक्शन के काम को अगर हमें यूज करना है, हमारे पास यहां पर तीन ऑप्शन है, हम तीन तरह से एक इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करते हैं। पहला सर ऑप्टेन इंफॉर्मेशन फॉर असेसमेंट ऑफ आरएमएम, हम एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से डिस्कशन करेंगे ताकि हम हमारा आरएमएम असेस कर सकें, हम हमारा आरएमएम असेस कर सकें रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ आरएपी। दूसरा मे यूज द वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। बच्चों अब दो मेन ऑप्शन, या तो मैं इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने जो काम किया है उसको एज इट इज यूज कर लूं, या फिर मैं इंटरनल ऑडिटर को अपनी टीम में मिला लूं यानी कि उसका डायरेक्ट असिस्टेंस ले लूं। इन दो तरीकों से हम काम को यूज कर सकते हैं। तो अब हम वन बाय वन ये दोनों समझेंगे। बच्चों इंपॉर्टेंट ऐसे है तो पूरा मैं कवर कर रहा हूं।
अब हमारा यहाँ पर एस्पेक्ट आता है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर हमें उनके काम को यूज करना है, हमें इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना है, तो वो कौन सा एरिया है? डिटरमाइन कीजिए पहले, क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? अगर हम यूज कर सकते हैं तो कौन से एरिया में, कौन से नेचर के काम को यूज कर सकते हैं? यहाँ पर हमने बच्चों एक टॉपिक पढ़ लिया था कि क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकते हैं, तीन पैरामीटर से। आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखिए, आप उसकी कॉम्पिटेंस देखिए, क्या वो सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो कर रहा है, ये देखिए, तीन पहलू। आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखिए, आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक कीजिए, उसका कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज देखिए। तीसरा, क्या वो सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो कर रहा है? अगर ये तीनों यस हैं, देन यू कैन यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। फिर डिटरमाइन कीजिए कौन से एरिया में किस एक्सटेंट तक यूज कर सकते हैं, कौन से एरिया में किस एक्सटेंट तक यूज कर सकते हैं। सर, जहां पर सिग्निफिकेंट जजमेंट ना हो, जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क ना हो, जहां पर जजमेंटल मैटर ना हो, वहां पर आप यूज कर सकते हैं। जहां सिग्निफिकेंट रिस्क ना हो, जहां पर जजमेंटल मैटर ना हो, जहां पर प्रोफेशनल जजमेंट बहुत सिग्निफिकेंट ना हो, ऐसी ही जगह पर आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट असिस्टेंस की बात करें बच्चों, डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब होता है इंटरनल ऑडिटर विल वर्क अंडर द सुपरविजन, डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। अगर हमें उसे डायरेक्ट असिस्टेंस में लेना है तो भी हम ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करेंगे, हम उसका कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी देखेंगे। ये दोनों तरीके, अगर दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड होती है तो ही हम उसको डायरेक्ट असिस्टेंस की बात करेंगे। डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज़ करने के पहले दो तरह के एग्रीमेंट होना जरूरी है। एक एग्रीमेंट होगा एंटिटी और एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच, दैट एंटिटी विल नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी, एंटिटी विल नॉट इंटरफेयर। दूसरा, एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के बीच, दैट इंटरनल ऑडिटर विल मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी। ये दोनों एग्रीमेंट होंगे तो ही हम ऐसे डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर पाएंगे। तो बच्चों, ये अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ पर आपको तीन वो फैक्टर भी दिए हैं, हमने ये तीन चीजों की बात की। क्या तीन चीजों की बात की? पहला, हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, दूसरा कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी देखेंगे, तीसरा हम सब देखेंगे क्या उसने सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो किया है। इन तीनों के भी कुछ फैक्टर दिए हैं, वो भी जरूर बच्चों आप कवर करना। तो हमने यहाँ पर दो नए स्टैंडर्ड 600 और 610 भी पूरे कवर कर लिए। देन बच्चों, अब बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है चैप्टर नंबर थ्री, जो हमेशा बच्चे बोलते हैं सर ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, चैप्टर नंबर थ्री में क्या क्या शामिल होता है बच्चों? चैप्टर नंबर, जस्ट मिनट बच्चों, चैप्टर नंबर थ्री इज ए मल्टीपल टॉपिक चैप्टर। वहां पर सबसे पहले दिया है एसए 315 रिस्क असेसमेंट, फिर दिया है एसए 320 मटेरियलिटी, फिर एसए 330 रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क, साथ ही हमको वहां दिया है ऑडिट इन आईटी एनवायरनमेंट, ऑडिट इन आईटी एनवायरनमेंट और कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैंने प्रीवियस क्विक समरी रिवीजन, क्विक रिवीजन में कवर किए बच्चों। अब मैं आता हूँ 315 पर। 315 का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ऑडिट रिस्क क्या है, उसके कंपोनेंट क्या हैं और सारे कंपोनेंट्स के एग्जांपल क्या हैं। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जांपल जरूर तैयार कीजिएगा। ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन आपको पता है, हम डायरेक्टली आते हैं एग्जांपल ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, एग्जांपल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। जस्ट मिनट, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। हम इनहेरेंट रिस्क के एग्जाम्पल की बात करें, मैनेजमेंट हैज नॉट अंडरस्टूड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चों कंपनी का मैनेजमेंट या TCWG जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने और ओवरसी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या AFRF नहीं जानते। दिस इज ए इनहेरेंट रिस्क। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस इन दैट इंडस्ट्रीज आर गेटिंग शट।
यानी कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, दिस इज अगेन इनहेरेंट रिस्क। दूसरा कंट्रोल रिस्क, बच्चों कंट्रोल रिस्क के एग्जांपल सर एक्सेस ऑफ कैश और बैंक बुक बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, ये एग्जांपल है बच्चों कंट्रोल रिस्क का, आपको एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है। कोई एक एग्जांपल दे देंगे या तो पूछेंगे कि कौन सी रिस्क है, या फिर ऊपर लिखेंगे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल रिस्क और नीचे चार पांच केस लिख देंगे। तो ये अच्छे से तैयार कीजिए बच्चों, एक्सेस ऑफ कैश और बैंक बुक बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, या फायर सिस्टम फॉर इन्वेंटरी नॉट वर्किंग, तीसरा पेटी कैश एक्सपेंसेस रूल नॉट फॉलोड, ये सब एग्जाम्पल हैं कंट्रोल रिस्क के। डिटेक्शन रिस्क के एग्जाम्पल बच्चों, ऑडिटर अनेबल टू अटेंड इन्वेंट्री काउंट और जजमेंट ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट मे गो रॉन्ग, ये एग्जाम्पल है डिटेक्शन रिस्क के। तो बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ऑडिट रिस्क क्या होती है, उसके कॉम्पोनेंट क्या है, या इनके सबके एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वॉट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क, हमें पता है दो चीजें ऑडिट रिस्क में शामिल नहीं होती, पहला सर बिजनेस रिस्क ऑफ ऑडिटर, दूसरा सर चांसेस दैट ऑडिटर इश्यूज एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड, इसको भी हम बोलते हैं सर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क। दूसरे एस्पेक्ट पर आते हैं बच्चों एसए 315 में, हाउ वी विल आइडेंटिफाई द आरएमएम, या हमारी स्टेप्स ऑफ आरएमएम क्या होती हैं। हम बोलते हैं सर हम थ्रू आउट द ऑडिट आरएमएम पता करते हैं, फिर हम उसे असेस करते हैं कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर है, कौन सा असर्शन लेवल पर है, उसकी लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट हम चेक करते हैं। ये कैसे कर रहे हैं हम, आरएपी लगाकर कर रहे हैं सर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया, प्रोसीजर परफॉर्म किया, उस प्रोसीजर में हम क्या शामिल करते हैं सर, हम उसमें एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, उसकी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उससे हमें आरएमएम पता चल गई जो ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर होगी, और सर हम उसके बाद उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल पर बांट लेंगे। बच्चों डायरेक्टली लिखना आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय आरएपी, व्हाट इट इंक्लूड्स, व्हाट डू यू मीन बाय आरएपी, आरएपी मींस ऑल द प्रोसीजर अप्लाइड बाय ऑडिटर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल, एंटिटी एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग जुटाना, टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल। इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। इसमें शामिल होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन। ये बच्चों क्वेश्चन तैयार हो गया, आरएपी का मतलब क्या है, व्हाट इट इंक्लूड्स। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ये बहुत बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, या व्हाट आर द एस्पेक्ट विच ऑडिटर कंसिडर टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। बच्चों दोनों वन एंड सेम थिंग, ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस या ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसके लिए हमने याद किया हुआ है इन एंड आउट फाइनल, क्या है बच्चों इन एंड आउट फाइनल, आई फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में हम क्या क्या चीजों की नॉलेज ऑब्टेन करेंगे सर, हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की, मेजर कस्टमर की, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की, इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस की, चार चीजें। क्या बोला बच्चों, मेजर कस्टमर्स की नॉलेज लेंगे सर, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की नॉलेज लेंगे, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की नॉलेज लेंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई प्रैक्टिसेस हैं क्या इसकी नॉलेज लेंगे। दूसरा एन फॉर नेचर, हम एंटिटी का नेचर पता करेंगे सर, उसका ऑपरेशन कैसा है, सिंगल लोकेशन है कि मल्टी लोकेशन है, ओनरशिप कैसा है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी फाइनेंसिंग मॉडल क्या है। तीसरा सर अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंजेस इन दैट, हम देखेंगे एंटिटी ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी ली है क्या वो एज पर द इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस अप्रोप्रिएट है, एज पर AFRF है, क्या उसमें कोई चेंज किया गया है, तो क्यों किया गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव में हम देखना चाहते हैं एंटिटी के ओवरऑल प्लान क्या है, उनके एक्सपांशन प्लान क्या है, न्यू प्रोडक्ट कुछ लाने वाले हैं क्या, उनकी बिजनेस रिस्क क्या है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव
फॉर ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, क्या देखेंगे सर? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लाइक रेशो एनालिसिस। दूसरा सर, पीरियड ऑन पीरियड उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है कि रिड्यूस हो रही है। देन उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, उनका बजट वर्सेस एक्चुअल क्या है, उनकी फोरकास्टिंग क्या है। बच्चों एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज इट विल बी द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस या एस्पेक्ट्स टू कंसीडर टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इन एंड आउट फाइनल, इन एंड आउट फाइनल। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अब बच्चों आते हैं इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल क्या सारे रिलीवेंट होते हैं ऑडिट के लिए? नहीं सर, हम इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, दो तीन एस्पेक्ट इंटरनल कंट्रोल के और, क्योंकि ये हमेशा आपको टफ लगता आया बच्चों। तो इंटरनल कंट्रोल क्या सारे कंट्रोल ऑडिट के लिए रिलीवेंट होते हैं? नहीं सर। तो व्हाट आर द फैक्टर टू कंसीडर टू चेक व्हिच इंटरनल कंट्रोल इज रिलीवेंट फॉर ऑडिट, व्हिच इंटरनल कंट्रोल इज रिलीवेंट फॉर ऑडिट। तो हमने बच्चों पांच छह एस्पेक्ट लिखे, कुछ हमारे रेड ग्रेवी के पॉइंट हमेशा से, सर आरएमएम, सर साइज ऑफ द एंटिटी, सर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं बच्चों। फैक्टर दैट कंट्रोल रिलीवेंट फॉर ऑडिट, सर मटेरियलिटी देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क देखेंगे, साइज ऑफ एंटिटी देखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, नेचर ऑफ एंटिटी का ओनरशिप बिजनेस, सर एएफआरएफ के अकॉर्डिंग क्या कंट्रोल को कंसिडर करना जरूरी है, यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमने कुछ एक्टिविटी आउटसोर्स की हुई है, स्पेसिफिक कंट्रोल फॉर ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर असर्शन। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो ऑडिटर को ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे विच इंटरनल कंट्रोल इज रिलीवेंट फॉर ऑडिट, विच इंटरनल कंट्रोल इज रिलीवेंट फॉर ऑडिट। ये उसके फैक्टर्स हैं बच्चों, क्या हैं? मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ दैट कंट्रोल, रिस्क ऑफ दैट एरिया, importance of that control, AFRF की requirement, complexity है क्या, service organization का use किया है क्या। चलिए बच्चों, RAP हमने बात कर ली, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और कुछ ट्रांजेक्शन को आप ट्रेस कर सकते हैं। नाउ बच्चों इस अटेम्प्ट के लिए ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, सिग्निफिकेंट रिस्क, हाउ ऑडिटर विल डिटरमाइन दैट रिस्क इज ए सिग्निफिकेंट रिस्क, हाउ ऑडिटर विल डिटरमाइन दैट आइडेंटिफाइड रिस्क इज ए सिग्निफिकेंट रिस्क। इसको याद रखने के लिए हमने एक बात बोली, सर CSR के अंदर फ्रॉड होता है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें भी सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। सर क्या CSR में फ्रॉड होता है और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स अगर कुछ होता है तो वहां रिस्क होती है? पढ़ते हैं, सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, सर CSR का सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, एस फॉर सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर ये एरिया ऐसा है जहां सब्जेक्टिविटी बहुत है तो सर ये भी क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट रिस्क वाला एरिया। आर रिसेंट चेंजेस, रिसेंट चेंजेस और रिलेटेड पार्टी, दो पॉइंट है बच्चों यहां आर में, रिसेंट चेंजेस एंड रिलेटेड पार्टी। रिसेंट चेंजेस कहां पर? सर हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन में, हमारे AFRF में, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अगर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, इट इज ए सिग्निफिकेंट रिस्क। फ्रॉड, ये तो डायरेक्टली है बच्चों सिग्निफिकेंट रिस्क, अगर फ्रॉड की रिस्क है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। एंड लास्ट, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन इज दो, इस हेडिंग में दो बातें लिखिए, दोनों में से किसी भी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। पहला, सर एरिया रिक्वायर्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो हमने बोला सर CSR में फ्रॉड होता है और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर ऐसा पूछें, व्हाट आर द रिस्क इट इज सिग्निफिकेंट रिस्क, विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क, फैक्टर्स टू डिसाइड सिग्निफिकेंट रिस्क। तो हम बोलेंगे सर CSR में फ्रॉड होता है, सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, एस फॉर सब्जेक्टिविटी, आर में दो पॉइंट कवर किए बच्चों, क्या रिसेंट चेंजेस और रिलेटेड पार्टी, एफ आर फ्रॉड, फ्रॉड होता है सर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट्स इट। नाउ ये दूसरा पहलू बच्चों, स्पेसिफिकली हमें बोला गया है कि सर इन दो एरियाज, दो चीजों के लिए RMM इज ऑलवेज ग्रेटर, इन दो मैटर में और RMM इज ऑलवेज ग्रेटर। कौन से दो एरियाज हैं बच्चों? पहला, सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, दूसरा सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर। बच्चों मेरे अकॉर्डिंग ये VVVIMP क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस बच्चों, इसको बहुत अच्छे
अच्छे से एग्जॉस्टिवली तैयार करके जाना है। पहला, सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। बच्चों नाम से ही पता चलता है नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट रिस्क कैरी करेगा। क्यों सिग्निफिकेंट रिस्क कैरी करेगा? पहला सर, ग्रेटर इंटरवेंशन। दो पॉइंट हमने लिखे बच्चों, ग्रेटर इंटरवेंशन होगा किस चीज में? सर एक तो मैनेजमेंट का टू डिसाइड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दूसरा सर मैनुअल इंटरवेंशन होगा मैनेजमेंट का ग्रेटर किस चीज में? फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। इस कारण से यहां पर आ जाएगी सिग्निफिकेंट रिस्क। दूसरा सर, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा। सर ये तो यदा कदा होने वाले ट्रांजेक्शन है, जैसे फायर से बहुत सारी इन्वेंट्री का नुकसान हो गया, असेट का नुकसान हो गया, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी। अब लॉस कितना हुआ, इंश्योरेंस क्लेम कितना आया, बुक्स में वैल्यू कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एंट्री करना। सो इट ऑलवेज हैव कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तीसरा, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल ओवर रिस्क। सर ये तो अनप्लान्ड चीजें होती है जो अचानक से हो जाती हैं, तो इनके लिए कंट्रोल डिजाइन या सोचे हुए नहीं होते हैं। सो सर, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल फॉर सच रिस्क। ये तीनों रीजन बना देते हैं इसको सिग्निफिकेंट आरएमएम या ग्रेटर आरएमएम। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हमने बोला सर ग्रेटर या ग्रेटर लेवल ऑफ आरएमएम होता है इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। व्हाई सच सो? सर इसके हमारे पास चार रीजन है। पहला सर, ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन होगा। सर किस चीज में? ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। सर ग्रेटर इंटरवेंशन होगा डेटा कलेक्शन और उसकी प्रोसेसिंग में। सर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी। तीसरा सर, यहाँ पर कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना इस तरह की रिस्क पर डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये कैरी करते हैं ग्रेटर आरएमएम। दूसरा ग्रेटर आरएमएम वाला एरिया, सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर, जहां पर मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट ही जजमेंट लेता है, वो सब बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे हमने बात की थी सर, एक बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट है किस चीज को लेकर? सर अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाना है। सर ज्यादा कम बहुत सिग्निफिकेंट वाली बात है। चलिए आते हैं सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर क्यों ग्रेटर आरएमएम कैरी कर रहे हैं उसके एग्जांपल। पहला सर, अकाउंटिंग एस्टीमेट है या ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर बात है और ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन वाली बात है, यह सर ग्रेटर आरएमएम हो गई। पहला पॉइंट क्या बोला सर, ये अकाउंटिंग एस्टीमेट है या रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाली बात है, जहां पर सब्जेक्टिव डिसीजन है, डिफरेंट ओपिनियन है, यस इट इज ए हायर हायर आरएमएम वाला केस। सर ये सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर है जहां पर हायर आरएमएम है। दूसरा एग्जांपल, जजमेंट बेस्ड ऑन अजम्पशन अबाउट फ्यूचर इवेंट। सर हम एक फ्यूचर इवेंट को लेके कुछ जजमेंट ले रहे हैं, जैसे गोइंग कंसर्न की बात कर सकते हैं, सर पेंडिंग लिटिगेशन की बात कर सकते हैं, या फेयर वैल्यू ऑफ असेट की बात कर सकते हैं। ये सब क्या है? एक जजमेंट ले रहे हैं बेस्ड ऑन अजम्पशन अबाउट फ्यूचर, तो ये भी है बच्चों सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर हैविंग हायर आरएमएम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अच्छे से इसको भी आप तैयार कीजिए। मैंने यहाँ पर आपको फिर से ऐसे 315 के कुछ एस्पेक्ट कवर किए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर 3 के लिए बच्चों। चैप्टर 3 में बच्चों एक और टॉपिक है जो आपका पेन एरिया आपको कम पसंद है, ऑडिट इन आईटी एनवायरनमेंट, ऑडिट इन आईटी एनवायरनमेंट। तो ये एक लास्ट टॉपिक और हम हमारे इस क्विक रिवीजन में कवर कर रहे हैं बच्चों, ऑडिट इन आईटी एनवायरनमेंट। ऑडिट इन आईटी एनवायरनमेंट, सबसे पहले सर मीनिंग ऑफ आईटी एनवायरनमेंट क्या होता है? सर हमें पता है ये क्या होता है। सर अगर एक बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रोसेस ऑपरेशन अकाउंटिंग डिसीजन प्रोसेस ऑपरेशन अकाउंटिंग डिसीजन ये सब अगर हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करके करते हैं तो सर उसे बोलते हैं आईटी एनवायरनमेंट, इट इज आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके की फीचर्स क्या होते हैं ये आसान पार्ट आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे पर। पहली चीज है हमारे पास सर, हमें आईटी एनवायरनमेंट में किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए। What are the factors for which auditor to obtain understanding in respect of IT environment? पहला सर, information system being used, कौन सा information system use हो रहा है? सर एक हो रहे हैं कि बहुत सारे हो रहे हैं? दूसरा their purpose, सर financial purpose है या non-financial purpose है?
तीसरा, लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, सर लोकल है या ग्लोबल है? आर्किटेक्चर क्या है, डेस्कटॉप बेस्ड है या क्लाइंट बेस्ड है या वेब एप्लीकेशन है? उसका वर्जन क्या है, लेटेस्ट है कि ओल्ड है? इंटरफेस विद सिस्टम, क्या ये सिस्टम मल्टीपल सिस्टम से कनेक्टेड है या सर एक ही है? इन हाउस वर्सेस पैक्स, सर हमने ये सॉफ्टवेयर घर में ही बनवाया है, खुद से डेवलप करवाया है या ऑफ द शेल्फ बाजार से परचेस करके लाए हैं? आउटसोर्स एक्टिविटीज, क्या हमारे आईटी एनवायरनमेंट में कुछ प्रोसेस आउटसोर्स की हुई है? और लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या की पर्सन कौन है आईटी एनवायरनमेंट में? क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? पहला हमने बोला अंडरस्टैंडिंग और एंड डॉक्यूमेंटिंग द आईटी एनवायरनमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो जैसे ऐसे 315 में हम एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा था, इन एंड आउट फाइनल, उसी तरह से अगर आईटी एनवायरनमेंट में ऑडिट कर रहा हूं तो एक एडिशनल फैक्टर आ गया कि अब आईटी एनवायरनमेंट में किन चीजों का अंडरस्टैंडिंग जुटाएं। तो हमने बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है पता कीजिए, सर कितने यूज हो रहे हैं वो पता कीजिए, उनका पर्पस क्या है फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल पता कीजिए, लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम पता कीजिए, उनका वर्जन पता कीजिए, आप आईटी एनवायरनमेंट में की पर्सन कौन है वो पता कीजिए, इन हाउस है या पैकेज्ड है ये पता कीजिए। तो ये हो गया बच्चों अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। जब आईटी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आईटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ रिस्क पता चलेंगे। जैसे ऐसे 315 में एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो आरएमएम पता चलती है बच्चों, ऐसे ही आईटी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली तो आईटी एनवायरनमेंट की रिस्क पता चलेंगी। कौन-कौन सी रिस्क हो सकती हैं आईटी एनवायरनमेंट में, लेट्स हैव द एग्जांपल। आईटी एनवायरनमेंट में क्या-क्या रिस्क हो सकती है, हेडिंग है हमारा रिस्क in IT or automated environment. What are the risks while using the IT system या automated system? बच्चों ये सब question जो मैंने लिखे हैं exam के question, देखिए क्या क्या risk हो सकती है। पहला, inaccurate processing of data या फिर processing of inaccurate data, या तो गलत data process कर दिया या data को गलत तरह से process कर दिया, या तो गलत data process कर दिया या data को गलत तरह से process कर दिया, inaccurate processing of data और processing of inaccurate data। दूसरा, unauthorized access to data, बच्चों ये unauthorized से दो तीन पॉइंट बन जाएंगे, अनऑथराइज्ड डेटा का एक्सेस, अनऑथराइज्ड सिस्टम और प्रोग्राम का एक्सेस, ठीक है। देन डायरेक्ट डेटा चेंज, किसी ने बैकएंड से डेटा में चेंज कर दे, इस बात की रिस्क हो सकती है। सर एक्सेसिव प्रिविलेज, सुपर प्रिविलेज, सुपर यूजर, ये भी एक रिस्क हो सकती है। लेक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, आईटी एनवायरनमेंट में ड्यूटीज को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता होगा। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, सर सिस्टम हमारा पुराना है, टाइम टू टाइम चेंज नहीं हुआ। लॉस ऑफ डेटा, सर अचानक से कुछ कैटास्ट्रोफी हुई, पूरा सिस्टम का डेटा चला जाए, ये भी रिस्क है। सो रिस्क इन आईटी सिस्टम, रिस्क व्हाइल यूजिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्या क्या हो सकती है, सर इनअक्यूरेट डेटा प्रोसेस हो जाए या डेटा इनअक्यूरेटली प्रोसेस हो जाए। दूसरा, लॉस ऑफ डेटा। तीसरा, डायरेक्ट डेटा चेंजेस बैकएंड से, सुपर यूजर या प्रिविलेज यूजर, सर अनऑथराइज एक्सेस डेटा का, अनऑथराइज चेंजेस प्रोग्राम के अंदर, सर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मिसिंग होना, ये सब है बच्चों रिस्क इन आईटी एनवायरनमेंट। अब देखो हमने लिंक करके पढ़ा था बच्चों, जब पढ़ा था तब भी आप याद कीजिए, सबसे पहले हमने आईटी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली, फिर हमने उसकी रिस्क पता की। अब हम एक और लास्ट एस्पेक्ट देख रहे हैं बच्चों कि अगर कोई रिस्क आइडेंटिफाइड होती है तो उसका हमारे ऑडिट प्रोसीजर पर क्या इंपैक्ट आता है, अगर कोई रिस्क आइडेंटिफाइड होती है तो उसका हमारे ऑडिट प्रोसीजर पर क्या इंपैक्ट आता है। देखिए बच्चों, इंपैक्ट ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इंपैक्ट ऑन कंप्लायंस प्रोसीजर एंड इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। सबसे पहले इंपैक्ट ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर क्या इंपैक्ट आएगा, वी विल नॉट rely on the reports generated from system, we won't rely reports generated from system. Dusra, system data and reports should be tested substantively for completeness and accuracy. Jo system ka data humko milega, hum usko substantively check karenge kis
पहलू से सर हम चेक करेंगे क्या वो कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है। तीसरा, मोर ऑडिट एविडेंस इज रिक्वायर्ड। ये इम्पैक्ट हुआ सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर। पहला, वी वॉन्ट रिलाई द रिपोर्ट जनरेटेड फ्रॉम सिस्टम। दूसरा, सर हम सिस्टम की रिपोर्ट को सब्सटेंटिवली चेक करेंगे कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के लिए। तीसरा, सर ज्यादा ऑडिट एविडेंस जुटाने पड़ेंगे, इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन कंप्लायंस प्रोसीजर, सर वी विल नॉट रिलाई द ऑटोमेटेड कंट्रोल। दूसरा, वी वॉन्ट रिलाई द आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या होता है सर? दे आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल विच आर डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम और डेटा जनरेटेड थ्रू सिस्टम, उसे हम कहते हैं आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। सो वी विल नॉट रिलाई द आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। तीसरा, सर सिस्टम डेटा को सब्सटेंटिवली चेक करना होगा, सेम पॉइंट जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में था, फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। और सर अब ज्यादा रिलाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर होगा न कि टीओसी पर। ये इंपैक्ट हो गया कंप्लायंस प्रोसीजर पर बच्चों। देन बच्चों कंट्रोल में थोड़ा सा एक और पेन एरिया जो आपका है, आईटी कंट्रोल हमारे तीन तरह के होते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल इज जस्ट लाइक सिमिलर टू कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जहां हमने अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो मैं जनरल आईटी कंट्रोल एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी है, याद रखना पड़ता है। आप मेरे साथ इसको एक बार क्विकली पढ़ लीजिए। जनरल आईटी कंट्रोल मीन्स ऑल द पॉलिसी प्रोसीजर दैट रिलेट्स टू मेनी एप्लीकेशन एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। ये मीनिंग याद रखना है बच्चों। जैसे हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट में बात की थी, दीज आर द पॉलिसी प्रोसीजर और जिसके बेस पर हमारा पूरा कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल टिका होता है। इसी तरह से जनरल आईटी कंट्रोल आर पॉलिसी एंड प्रोसीजर विच अफेक्ट्स effectiveness of application control and support functioning of application control. इसमें क्या शामिल होगा सर? दे अप्लाई मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड एंड यूजर एनवायरमेंट। यानी सर ये मेन कंप्यूटर पर भी लगेंगे, छोटे छोटा सिस्टम जो होगा हमारा वहाँ भी लगेंगे और हमारे उस यूजर एनवायरमेंट पर भी एप्लीकेबल होंगे। जनरल आईटी कंट्रोल मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। और इसके अंदर फिर हमने पढ़ा चार चीजें शामिल होती है बच्चों। पहला, हिल गया, पहला हमारा होता है डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, जस्ट अ मिनट बच्चों, कनेक्ट हो रहा है? यस, वी आर बैक। सो जनरल आई टी कंट्रोल में हमने बोला चार पार्ट होते हैं, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंजेस, एक्सेस सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस। बच्चों इन चारों में से कोई एक इंडिविजुअली लिखना आ सकता है, तो इन चारों को भी क्विकली मैं आपके लिए लास्ट टॉपिक में इसको कवर कर रहा हूँ। पहला, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, ये क्या क्या आईटी जनरल कंट्रोल है सर? इट इज टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। आप जितने भी जनरल आईटी कंट्रोल के बारे में जब भी लिखें, ये कॉमन लाइन बार बार कोट करेंगे, द ऑब्जेक्टिव इज टू मीट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिव इज टू मीट, ऑब्जेक्टिव इज टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब जैसा इसका नाम है डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, बच्चों ये वो पार्ट है जहां पे सारा डेटा कलेक्शन हो रहा है, हमारे प्रोडक्शन का डेटा कलेक्शन हो रहा है। तो इसके अंदर हमने चार पॉइंट, पांच पॉइंट कवर किए। पहला सर, ये ओवरऑल कंप्यूटर की ऑपरेशन का मैनेजमेंट है। दूसरा सर, बैच जॉब, जैसे हमारा प्रोडक्शन होता है तो बैच वाइज उसकी नंबरिंग होती है, तो सर ये बैच जॉब का डेटा कैप्चर करता है। सर हमारे बैकअप, स्टोरेज और रिटेंशन की ये बात करता है। सर डेटा रिकवरी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान यहाँ पर होता है। और सर ये कंट्रोल जो है हमारे ऑपरेशन सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। सो ये है डेटा सेंटर वाला कंट्रोल। दूसरा आते हैं एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। इसके नाम में इसका मतलब है सर, हम किसी सॉफ्टवेयर को एक्वायर करें, नया डेवलप करवाएं या उसे मेंटेनेंस करने के लिए कुछ एक्टिविटी करें, तो क्या लिखा है सर? एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंट्रोल दैट सिस्टम आर डेवलप कॉन्फिगर्ड इंप्लीमेंट टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ये लाइन कॉमन होगी बच्चों, उस हेडिंग से उसको लिंक कर देना है। तो हमने बोला सर एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, इसका ऑब्जेक्टिव है कि सिस्टम डेवलप, सिस्टम एक्वायर, सिस्टम मेंटेन जब हो देन इट
इट विल कंटिन्यू टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इसमें क्या शामिल होता है सर? इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट एक्टिविटी शामिल होगी, कैसे प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ, कैसे एनालाइज हुआ, कैसे उसका डिजाइन हुआ, कैसे उसका क्वालिटी एश्योरेंस हुआ, ये हमने इसमें एस्पेक्ट कवर कर लिए. नेक्स्ट प्रोग्राम चेंजेस. प्रोग्राम चेंजेस, इसका नाम है प्रोग्राम चेंज, तो वापस यहीं से लिंक करेंगे. सर ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंट्रोल इज टू इंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम इज कंटिन्यू टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इसमें क्या शामिल होगा सर? इसमें शामिल होगा हमारी चेंज की प्रोसेस क्या है, इस चेंज मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है, हम मैनेज करेंगे, ट्रैक करेंगे रिक्वेस्ट को, टेस्टिंग करेंगे, ये सब पार्ट होगा प्रोग्राम चेंज का. लास्ट एक्सेस सिक्योरिटी, ये एग्जाम में पूछा है बच्चों, अलग से अच्छे से तैयार कीजिएगा. एक्सेस सिक्योरिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंट्रोल इज टू इंश्योर एक्सेस टू डेटा एंड प्रोग्राम. एक्सेस टू डेटा एंड प्रोग्राम जो है वो ऑथराइज लोगों के द्वारा ही हो, ऑथेंटिकेटेड तरीके से ही हो. इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें शामिल होंगे वो सारे सिस्टम जो हम सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं, विच इज सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एज वेल एज फिजिकल सिक्योरिटी. ये है हमारा बच्चों एक्सेस सिक्योरिटी. दैट्स ऑल बच्चों, ये ही सारी चीज हम कवर करने वाले हैं. हमने इन दो दिन के रिवीजन के अंदर चैप्टर नंबर 1 देखा है, चैप्टर नंबर 2 देखा है, चैप्टर नंबर 3 कवर किया है, चैप्टर नंबर 7 कवर किया, चैप्टर नंबर 11 कवर किया, और सारे नए स्टैंडर्ड जितने ऐड हुए थे वो हमने कवर किए. तो बच्चों इन टॉपिक्स को अच्छे से क्विकली, टोटल 3 आवर्स के हमारे ये रिवीजन वीडियो हैं, मेरे साथ में इनको पूरा एक बार रिवाइज कीजिएगा. विश यू ऑल द बेस्ट, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, डोंट वरी, गॉड ब्लेस, बाय बाय.